दोस्तों, सर रतन टाटा के बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा संस के सेवा मुक्त चेयरमैन है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन टाटा 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे। तत्पश्चात उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। वे सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वे अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई ऊंचाइयों को छुआ और समूह का राजस्व भी काफी गुना बढ़ा। भारत सरकार ने रतन टाटा को सन 2000 में पद्म विभूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया। ये देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनकी संपत्ति की बात करें तो 291 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है, जो कि इंडियन रुपयों में 29,100 करोड़ होते हैं। लेकिन रतन टाटा अपने शेयर से हुई आमदनी का 65% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दे देते हैं। दान की गई राशि का अधिकांश हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है।